ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ और वो रेस्टोरेंट आ गया। तो यहाँ पे बेकरी, रेस्टोरेंट, चीज़, चॉकलेट, फ्लावर एंड प्लांट्स। तो बस आते ही यहाँ पे प्लाजा हॉलैंडी लिखा हुआ है। चलिए तो गाइस, ये रेस्टोरेंट है जिसमें इतनी ग्रीनरी है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाने वाला हूँ और ये मेरा मेन्यू आ गया। ये मेन्यू जो है ये मैं ले रहा हूँ, इंग्लिश फुल ब्रेकफास्ट। काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन एनीवेज वर्थ टू ईट है। ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ से आप देखेंगे तो बाहर भी चेयर है कॉफ़ी भी पीने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि अभी कोई भी नहीं चाहेगा। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं बुर्ज अल अरब का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं बैठा हूँ एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में, जो कि एक तरह से कॉन्सेप्ट स्टोर टाइप का है और काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पर लगा रखा है, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी थोड़ा देर पहले मैंने फूड ऑर्डर किया यहाँ से, जो कि यहाँ का एक फेमस ब्रेकफास्ट ऑप्शन है जिसको कहते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये मेरा फर्स्ट टाइम इंग्लिश ब्रेकफास्ट होने जा रहा है इस रेस्टोरेंट में, एंड नॉट ओनली इस रेस्टोरेंट में, इवन मेरा फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस होने जा रहा है। तो मैंने आज प्लान किया कि आज इंग्लिश ब्रेकफास्ट करते हैं और ये कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है एज ए फूड ब्लॉगर। मतलब मेरा तो चैनल है ट्रैवल एंड फूड का, एंड थोड़ा बहुत घूमने फिरने का करता रहता हूँ डिफरेंट लोकेशन पे। तो आज मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊं एंड आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ अगर आप ब्रेकफास्ट करो तो ब्रेकफास्ट अच्छी जगह पे, और ख़ास तौर से थोड़ा सा आपका नज़ारा, आसपास का माहौल जो हो वो ऐसा हो कि आपके इर्द गिर्द ऐसा लग रहा है कि आप नेचर के साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं कितने डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे और गमले में फ्लावर पॉट्स में सारी चीज़ लगाई गई, और एक एक टेबल के इर्द गिर्द इतने सारे ग्रीनरी रखा गया है। सो डैट इज़ कॉल्ड, ये नेचर के साथ आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, यानी आसपास की पूरी हरियाली के साथ, तो एक अलग ही मज़ा होगा। और आज का ब्रेकफास्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, तो वो कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ आप देखेंगे। तो ब्लॉग पे बने रहें टिल एंड, और इसके बाद में लास्ट में आपको बताऊँगा कितने का था, क्या प्राइस था वगैरह वगैरह। चलिए गाइस, अभी मेरे मेन्यू को, मतलब मेरे इंग्लिश ब्रेकफास्ट का आने का इंतज़ार करो, आते ही आपको दिखाता हूँ और सारी चीज़ डिटेल्स शेयर करता हूँ। थैंक यू। और कैन नो योर गुड नेम प्लीज? माय नेम इज़ ऑर्क। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। यू आर फ्रॉम इंडिया? आई एम फ्रॉम आल्सो इंडिया। लेट अस टॉक इन हिंदी। कहाँ से आप? कहाँ से हैं? मैं कलकत्ता से। आप कलकत्ता से? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी इंडिया, यूपी कानपुर। कानपुर, यस जी। सो बेसिकली मैंने आपको जैसा बताया कि मैं जो है क्या बोलते हैं, मैं फूड ब्लॉगर हूँ और यूट्यूबर हूँ। तो मेरा जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टोर में फूड टेस्ट करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, और अपने एक्सपीरियंस अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ, अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करता हूँ। यही मेरा रहता है, घूमना फिरना भी चलता रहता है। कभी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे अभी लास्ट टाइम मैं स्की दुबई गया था, उसके पहले कुछ और लोकेशन गया था, ये सारी चीज़ें। तो चल, मैं यूट्यूबर तो मतलब मैं बहुत रेगुलर अभी नहीं हूँ, लेकिन 2 साल हो गया मुझे अप्रॉक्सीमेटली। दुबई में तो मुझे ज़्यादा हो, दुबई में मुझे कम से कम 10 ईयर्स हो गया। जी हाँ। तो ये बेसिकली स्टोर जो है ये पूरी ग्रीनरी पे है क्या? इसका थीम क्या है? एक्चुअली ये जो प्लांट बेस सब कुछ है, प्लांट बेस है, सब फॉर सेल है। अच्छा अच्छा, एवरीथिंग व्हाटएवर यू सी भी है यहाँ पे, सब कुछ सेल है। सब कुछ है, दैट्स वेरी गुड। और ये सब कुछ ओरिजिनल ही है, मुझे कुछ भी इसमें, सब रियल है, राइट? रियल इंडोर प्लांट्स है। हाँ, इंडोर प्लांट्स है, दैट्स नाइस। और काफ़ी होगा हाँ, लेकिन मोस्टली ये सारी चीज़ें दिख रहा है ना, कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। मतलब कभी कभी दिल होता है ना कि नेचर के साथ बैठ के आपको खाने का जो दिल होता है, जैसे कि गाइस आपको पता है कि ग्रीनरी अगर आपके आसपास हो, यहाँ दुबई में तो इतनी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो वाला फीलिंग आता है, मज़ा आता है। सुबह का ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, आपको शुरू में ब्लॉग में बताया। तो चलिए आज ये टेस्ट करते हैं एंड लेट अस नो, आपको बताता हूँ कि कैसा है, क्या है, और सारी चीज़ें आपको डिटेल्स एंड ऑफ द ब्लॉग मिल जाए। तो गाइस, अभी ये मेरी कैफेचिनो आ गई, साथ में एक बिस्किट है एंड ये जूस है। ये जूस कौन सा है? ऑरेंज जूस। तो ऑरेंज जूस को बाद में पिएंगे, मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, क्योंकि कॉफ़ी ठंडा हो जाएगा, ऑरेंज जूस तो एज इट इज़ रहेगा, है ना? पानी का टेम्परेचर सही है। एंड ये माय दुबई का बॉटल है, राइट? हाँ, ये माय दुबई का बॉटल है, देख सकते हैं, ग्लास बॉटल है।
तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है कॉफ़ी का भी, आप प्रेजेंटेशन देखिए ज़बरदस्त। लेकिन अभी कॉफ़ी को टेस्ट करेंगे, मेरे ख्याल से इसमें अब शुगर नहीं होगा। करेक्ट, क्या आप मेरे हेल्प कर देंगे शुगर डालने में? तो अपने इंडिया के लोग बहुत हैं दुबई में ऑब्वियसली, और हर सेक्टर में हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे एविएशन हो, चाहे रियल इस्टेट हो। मैं रियल इस्टेट फील्ड से बिलोंग करता हूँ, सो एवरीवेयर यू विल फाइंड इंडियन पीपल एंड सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, डैट इज़ वेरी गुड। तो ये मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई, इसका जो डेकोरेशन था वो चला गया। एनी वेज अब इसको टेस्ट करेंगे, थोड़ा पकड़िएगा। अभी ये मेरा सिर्फ स्टार्टिंग है, ब्रेकफास्ट की शुरुआत है कॉफ़ी से। तो बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी का एरोमा यानी कि फील कर सकता हूँ खुशबू, और कॉफ़ी का टेस्ट जैसा होता है बहुत अच्छा है। शुगर मैं हमेशा एक ही डालता हूँ, शुरू से आप मेरे ब्लॉग में देखते आए हो। एंड ये बिस्किट भी मिला है, तो इसको भी टेस्ट कर दें। अच्छा, आलमंड का है, आलमंड का है। तो कॉफ़ी बहुत अच्छा है, बाकी जूस टेस्ट करूँगा आफ्टर मेरा ब्रेकफास्ट के। तो ब्रेकफास्ट का वेट कर रहा हूँ गाइस, का ये पूरा ब्लॉग ब्रेकफास्ट बेस्ड होगा और इस रेस्टोरेंट के बारे में और भी चीज़ें बताऊँगा। माय ब्रेकफास्ट एंड व्हाट इज दिस, कैन यू प्लीज लेट मी नो दैट व्हाट ऑल दिस? रोस्टेड वेजिटेबल राइट, एंड दिस इज एग, फ्राइड एग, हाफ फ्राई, दिस इज medium fry, right? And this is the greens, this is the healthy Bavarian brown bread. Yes. And this is the roasted garlic tomato. Okay. And hash brown. This is the hash brown. It's a big beans, yeah. Yes. And this is the salad. 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 Yes. So finally, all this brother has been taking some tissues and ये सारी चीजें ले आए हैं. And now start करते हैं. And ये अपना आ गया main breakfast, जो कि healthiest breakfast है. अभी अपने पास है knife. फोक हो गया। सो अब सीरियसली मैंने कभी उतना खाया नहीं है, अब मुझे याद नहीं है, तो मैं थोड़ा देसी स्टाइल में मे भी खाऊँगा, और कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे बता देना आप, ठीक है? गैस मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ कि अंग्रेजों वाले स्टाइल में खाऊँ तो थोड़ा सा ये चीज़ है। तो ये मशरूम है, तो गैस इसमें मशरूम है, ये फर्स्ट बाइट लेता हूँ। एक बहुत ही अच्छा तरह से पका हुआ है ये मशरूम है, ये मल्टीग्रेन ब्रेड लग रहा है मुझे, मल्टीग्रेन है ना, इसमें आप देख सकते हो हेल्दी बारबेरियन मल्टीग्रेन, इसमें दिख रहा होगा डिफरेंट ग्रेन दिख रहे हैं। ये टोमेटो भी बेस्ड है, और ये है बीन्स, बीन्स है ना, बेक बीन्स है। तो ये जो पका हुआ है ये टोमेटो में एडिंग बैठा है, हल्के सा स्वीटनेस इसमें आ रहा है, और एग जो है वो परफेक्टली मतलब उसको पकाया गया है, और मैंने मीडियम इसको मतलब इसमें आप आएंगे तो आपकी चॉइसेस पूछे आएंगे कितना आपको पकवाना है। थोड़ा सलाद भी खाएंगे, तो गाइस सलाद भी बहुत टेस्टी है। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये है इसको हैश ब्राउन बोलते हैं आई थिंक, राइट? हाँ, हैश ब्राउन, हैश ब्राउन ये जो है आलू का बनता है, और ये आपको मैगडी में भी मिलता है। तो इंग्लिश ब्रेड को इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट, आपको जो एसेंशियल ब्रेकफास्ट में चीज़ें चाहिए, आपको प्रोटीन कार्ब चाहिए होगा और भी वो सब चीज़ें। देखो गाइस मैं बिल्कुल इंडियन स्टाइल में खा रहा हूँ, बिकॉज इंडियन हूँ तो इंडियन स्टाइल में खाऊँगा, आई डोंट केयर किसका क्या तरीका है, अपना ये तरीका है। तो गाइस मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये काफ़ी मिक्स फ्राइड वेजिटेबल है, जिसमें मशरूम है, शिमला मिर्च है, और साथ में इसमें टमाटर है, और भी इसमें मैंने स्पिनेच यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में भूल गया, और ये सलाद है। तो सलाद बड़ा ज़बरदस्त है, टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है। एग है, बीन्स है, और ये स्वीट मतलब जो है टोमेटो सूप में बनाया गया है। ये हैश ब्राउन है यानी आलू का बनता है,
और ये मल्टी ग्रेन ब्रेड है, ये सारी चीज़ है, सब के सब चीज़ हेल्दी है। कॉफ़ी मेरा अभी वेट कर रहा है, ठंडा हो जाए, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट ख़त्म करके कॉफ़ी पी के फिर बाद में जूस पीता हूँ। तो ये इतनी सारी चीज़ें इसमें मुझे मिली है। और ये रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं, अपने आप में कॉन्सेप्ट है, चारों तरफ इधर ग्रीनरी प्लांट वगैरह लगा रखा है, तो ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो गाइस अभी खाते रहते हैं, ब्लॉग बनता रहेगा। तो मैं स्पून मंगा लिया क्योंकि मैं खा नहीं पा रहा था। अब ये मेरे को ये काट के वैसे खाना वो बिल्कुल मेरे से हो नहीं पाएगा। भाई साहब ब्रेकफास्ट थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। ये आपने देखा होगा, तो चलिए गाइस थोड़ा अंग्रेजी वाले स्टाइल में भी ट्राई करते हैं, थोड़ा देसी से विदेशी स्टाइल में आ जाते हैं। तो ये काटना आसान नहीं होता है, इसीलिए उनके घंटों घंटों ब्रेकफास्ट चलते रहते हैं। एक एक घंटे में एक ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, हम लोग 15 मिनट में खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना ऐसे तोड़ते हैं और ऐसे अंडे में डिप करते हैं या इसको लगाते हैं। और ये लिया, ये देसी तरीका, अंग्रेजों को मैं सिखा रहा हूँ कितना टाइम लगाते हैं। मज़ा आ गया, बेहतरीन, हर चीज़ अच्छा है, हर चीज़ का टेस्ट है। बस ये जो है ना तालाब जो है मुझे नहीं समझ में आ रही है, पता है आपको क्या है? हाँ, ये है आपका रॉकेट लीफ बोलता है, रॉकेट लीफ, हाँ लेटस है, रॉकेट लीफ है। एक दो चीज़ तो पहचान है, एक दो चीज़ तो पहचान, बस ये नहीं पहचान पाया था ये वाला, हेल्दी होगा ऑब्वियसली। फिर इसमें ब्लैक ऑलिव है, वो रेडिश है, हाँ इतने ब्लैक ऑलिव ये दिखते हैं। ये देख गाइस ब्लैक ऑलिव भी है और ये नीव है। तो गाइस मुझे खाने का तरीका, मैंने पूरा इंडियन स्टाइल में खाया, इंग्लिश ब्रेकफास्ट को है ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट, लेकिन खाया तरीका देसी स्टाइल में। तो आप में से जो भी ब्लॉग देख रहे हैं आप बताएं कि आपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट कभी खाया कि नहीं, और कहाँ खाया और कैसा लगा, शेयर योर एक्सपीरियंस। बस ये तो ख़त्म हो गया, फिर भी इतना कुछ खाने का था कि सलाद अभी भी इसको मैं ख़त्म नहीं कर पाया, जूस अभी बाकी है, कॉफ़ी, तो इसको थोड़ा सा आप उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ओके नाउ टाइम फॉर कॉफ़ी। और कहते हैं ब्रेकफास्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉफ़ी पीना होता है, और वैसे भी इन्होंने मुझे शुरू में ही सर्व कर दिया था, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा टेस्टी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बिकॉज़ कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आपको बूस्ट कर देता है, आपकी माइंड को, आपकी एनर्जी को, तो कॉफ़ी पीना चाहिए। आपको पता होगा कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट जितने भी यूएस वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली यूरोप में या फिर यूएसए में या फिर इंग्लैंड में, स्पेशली इंग्लैंड में, वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और वहाँ इस तरह के ही नाश्ते से दिन की शुरुआत करते हैं वो लोग, कॉफ़ी हो गया और ये सारी चीज़ें आपने जो मेरे मेन कोर्स में देखा वो सारी चीज़ें, और काफ़ी हेल्दी होती है और खाना भी चाहिए। तो आज मैंने इसी से शुरुआत कर दी और आज पूरे ब्लॉग इस पर हो गया है। कॉफ़ी ख़त्म एंड नाउ टाइम टू जूस, एंड भाई अभी जूस का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मदद करेंगे ब्लॉग बनाना। और ये जूस क्या चीज़ का पहले? ऑरेंज, ऑरेंज जूस, फ्रेशली स्क्वीज्ड, फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस, एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल अभी कहते हैं ना कि बिल्कुल स्क्वीज किया गया, मेरे लिए स्पेशल अभी बना के दिया गया, बहुत दिन के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश जूस पीने को मिला और पूरा ब्रेकफास्ट खा के मज़ा आ गया। इट इज़ माई ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा आज के दिन इस रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको दिखा दूँगा, और भाई के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त था, यहाँ के रेस्टोरेंट के जो भी एम्प्लॉय है बहुत ही ट्रेंड एंड बहुत ही वेल बिहेव्ड है एंड बहुत ही प्रोफेशनल। तो ये ब्लॉग में मैं इनकी भी तारीफ करना चाहूँगा।
करूँगा, जो भाई अभी ब्लॉग की शूटिंग कर रहे हैं इनकी हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच। ये भाई हैं ठीक है, इनकी हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी यस आर्टिसन बेकर्स, यस वी हैव ब्यूटीफुल बेकरी ओवर हियर, वी हैव चीज रूम, वी हैव प्रॉपर डाइनिंग एरिया एज़ वेल विद ऑल द ग्रीनरीज इनसाइड, इवन फ्लावर शॉप भी आपके यहाँ, क्योंकि मैंने देखा सेक्शन आल्सो रिसेंटली वी हैव ओपनड द जेलाटो सेक्शन, वी हैव फ्लावर शॉप, एवरीथिंग इनसाइड। बिल ला दीजिए ठीक है, तो बिल पे करके फिर इसके बाद यहाँ से निकलते हैं। आज की ब्लॉगिंग यहीं पे करेंगे समाप्त, पानी पी के और बिल का वेट करते हैं, एंड एट लास्ट बाकी चीज़ें भी बता, बिल कितना है वो सरप्राइज है, और क्या ये इतना सस्ता था या इतना महंगा था वो देखते हैं। तो ये अभी बिल आ गया मेरा, ये मैं कैश में पे करूँगा। हाँ तो गाइस ये बिल है, इधर आप नोट उठाइएगा। सो एट एंड ऑफ द डे ये बिल था, और ये रेस्टोरेंट का नाम है आप देख सकते हो, नाम है आर्टिशन, आर्टिशन बेकर्स, ओके। एंड टोटल अमाउंट आप देख सकते हो 120, 120, और इसमें मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट फुल है एंड माय वाटर है, ये सारी चीज़ लेके इतने का आया, और ये वर्थ बाइंग है बिकॉज जो टेस्ट है, जो एक्सपीरियंस है, जो सारी चीज़ें वो बहुत ही ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। तो अभी ये टेबल छोड़ने का वक्त आ गया, ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं। ये क्या है? बेकरी। अच्छा ये बेकरी है, तो ये बेकरी शॉप है, ये क्रोजोन वगैरह सब कुछ डिफरेंट टाइप के केक्स देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, एंड ये गिफ्ट हैम्पर टाइप का, एंड यहाँ पे पानी के बॉटल। अच्छा ये कस्टमर, हाँ कस्टमाइज कर सकते हैं ये भी। ओके चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच। सही है, ये सब फ्रेशली बैक है। अच्छा ये देखिए ओवन, हाँ ये ओवन है, यहाँ से फ्रेशली बेक, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ये बकेट है, मल्टी सीरियल बकेट है, शाबादा ब्रेड है, बेगल है, शावरडो है, हम लोग का फेमस शावरडो है। अच्छा यहाँ पे आपका वॉलनट रेजिन ब्रेड है, यहाँ पे ये ब्राउन ब्रेड है, ये मल्टी सीरियल है, मल्टी सीरियल ब्रेड। तो देखिए गाइस इतने तरह के ब्रेड्स होते हैं, और ये सारे के सारे यहीं बनाए जाते हैं, और इनका सबसे पॉपुलर ये वाला है, ये है आपका शावरडो है। अच्छा ये बेसिकली क्या चीज़ का बनता है? ये शावरडो है, मैदा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, इसको कट करके वो लोग, लेकिन हेल्दी ये वाला पूरा हेल्दी है, ये पूरा हेल्दी कॉन्शियस होता है। अच्छा हेल्थ कॉन्शियस, अच्छा अच्छा ये ठीक है। वो फ्लावर वाला है सामने, तो ये रहा चीज़ रूम, ये डिफरेंट टाइप की चीज़, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन है। ये जार देखिए, तो इस तरह के बेकर्स होते हैं इतने हाई, ये देखिए चीज़ है, ये सब चीज़ रूम, ये चीज़ देख सकते हैं। प्राइस भी दिखा देता हूँ इसका, 89.90, अब वो पता नहीं क्या है। चलिए फाइनली हो गया, थैंक यू, बाय बाय, ओके फिर आएंगे, फिर कभी मुलाकात होगा, ठीक है, थैंक यू। चलिए गाइस यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं कितना खूबसूरत ये था रेस्टोरेंट, और बहुत ही मज़ा आया। रेस्टोरेंट पॉलिसीज यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंड बाहर निकलते ही आपको ये नज़ारा दिखेगा, यानी कि बुर्ज अल अरब, इस तरफ जाएंगे थोड़ा सा वॉक करके, बुर्ज अल अरब है और बीच भी यहाँ पे है, एंड ये रेस्टोरेंट था जिसका नाम है आर्टिशन एंड रेस्टोरेंट बेकरी, यहाँ से आप पिकअप भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये रेस्टोरेंट था जो कि बड़ा खूबसूरत जगह था, मज़ा आ गया, इट्स ए नाइस हेल्दी ब्रेकफास्ट। टाइम टू एंड द ब्लॉग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, एक नई जगह पे, कोई नई डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आता रहे, हमारे ब्लॉग्स के बारे में आप अपडेट रहो। थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।